Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। हाल ही में SSC MTS नॉन टेक्निकल पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। तो देखिए, SSC MTS की जो कट ऑफ है वो दो एज लिमिट में डिवाइड होती है। एक होते हैं 18 से 25 साल और दूसरी होती है 18 से 27 साल। उसके साथ साथ स्टेट वाइज यहाँ पर कट ऑफ आती है, अलग अलग रीजंस होते हैं और उस रीजंस में अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं दोनों एज ग्रुप में 18 से 25 साल और 18 से 27 साल के जो कुछ स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि बहुत से स्टेट्स हैं तो हम सारे को ना कवर करके तो कुछ स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहती है SSC MTS में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 18 से 25 साल का जो एज ग्रुप है उसमें कितनी कट ऑफ रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार स्टेट की। तो बिहार स्टेट में देखिए, EWS कैटेगरी की जो पेपर 1 में कट ऑफ थी वो थी 87.96067 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 38। तो देखिए, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद SC कैटेगरी में जो पेपर 1 की कट ऑफ थी वो थी 87.61192 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 23। ST कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 81.39087 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 28। OBC कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 89.81447 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 35। अनरिजर्व कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 89.965596 और पेपर 2 की जो कट ऑफ थी वो थी 31। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में EWS कैटेगरी की कट ऑफ पेपर 1 में थी 85.14357 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 26। SC कैटेगरी कट ऑफ थी पेपर 1 में 85.94202 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 30। ST कैटेगरी कट ऑफ थी 75.09980 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 39। OBC कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 85.72125 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 30। अनरिजर्व कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 86.98041 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 31। उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में EWS कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 82.46740 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 38। SC कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 82.71604 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 24। ST कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 76.28948 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 30। OBC कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 83.53862 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 28। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी पेपर 1 में 84.21762 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 27। अगला स्टेट है दिल्ली। दिल्ली में EWS कैटेगरी की पेपर 1 की कट ऑफ थी 82.99887 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 29। SC कैटेगरी की पेपर 1 की कट ऑफ थी 84.78462 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 27। ST कैटेगरी कट ऑफ थी पेपर 1 में 78.89066 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 32। OBC कैटेगरी कट ऑफ थी 83.17211 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 35। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी पेपर 1 में 86.18900 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 30। अगला है राजस्थान। राजस्थान में EWS कैटेगरी कट ऑफ थी 87.56992 और पेपर 2 की कट ऑफ 30। SC कैटेगरी कट ऑफ थी 84.35779 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 34। ST कैटेगरी की पेपर 1 में कट ऑफ थी 90.79540 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 27। OBC कैटेगरी में पेपर 1 की जो कट ऑफ थी वो थी 88.66189 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 20। अनरिजर्व कैटेगरी में पेपर 1 की कट ऑफ थी 91.48582 और पेपर 2 की कट ऑफ थी 30। देखिए, अब हम बात करेंगे जो एज ग्रुप है आपका 18 से 27 साल वाला, उसमें कितनी कट ऑफ थी। तो देखिए, हम 18 से 27 का जो एज ग्रुप है उसके कट ऑफ की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए टेक्स्टबुक चेक लेकर आया है SSC MTS लाइव कोचिंग। इस लाइव कोचिंग में आपको 200+ लाइव क्लासेस मिलेंगे, 50+ टेस्ट मिलेंगे, 8000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 90+ PDF नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके अलग अलग एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्टबुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्टबुक पास के अंदर आपको 100+ कोर्सेज एंड 12,000+ मॉक टेस्ट मिलते हैं।
एग्जाम की स्ट्रेटजी की वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट अर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। अब हम 18 से 27 साल वाला जो एज ग्रुप है उसमें कितनी कट ऑफ थी वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जानते हैं। तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पेपर 1 का जो कट ऑफ था वो था 84.81593 और पेपर 2 का कट ऑफ था 29। एससी कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 83.14746 और पेपर 2 का कट ऑफ था 30। एसटी कैटेगरी कट ऑफ था 73.23636 और पेपर 2 का कट ऑफ था 36। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ था 83.93167 और पेपर 2 का कट ऑफ था 28। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ था 89.16705 और पेपर 2 का कट ऑफ था 23। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 81.93179, पेपर 2 का कट ऑफ था 27। एससी कैटेगरी कट ऑफ था 80.07756, पेपर 2 का कट ऑफ था 28। एसटी कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 72.57697 और पेपर 2 का कट ऑफ था 25। ओबीसी कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 82.03988 और पेपर 2 का कट ऑफ था 40। अनरिजर्व कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 83.37807 और पेपर 2 का कट ऑफ था 40। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ था पेपर 1 में 83.34697 और पेपर 2 का कट ऑफ था 28। एससी कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 83.77206 और पेपर 2 का कट ऑफ था 20। एसटी कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 76.14622 और पेपर 2 का कट ऑफ था 27। ओबीसी कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 82.42949 और पेपर 2 का कट ऑफ था 30। अनरिजर्व कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 85.44572 और पेपर 2 का कट ऑफ था 30। अगला है हरियाणा। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 96.66678, पेपर 2 का कट ऑफ था 24। एससी कैटेगरी कट ऑफ था 99.27995 और पेपर 2 का कट ऑफ था 40। एसटी कैटेगरी में पेपर 1 में कट ऑफ था 85.06360, पेपर 2 का कट ऑफ था 30। ओबीसी कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 96.59484 और पेपर 2 का कट ऑफ था 28। अनरिजर्व कैटेगरी में पेपर 1 का कट ऑफ था 97.87635 और पेपर 2 का कट ऑफ 30। हरियाणा के बारे में बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ था 84.43693 और पेपर 2 का कट ऑफ था 33। एससी कैटेगरी कट ऑफ था 79.79467 और पेपर 2 का कट ऑफ था 30। एसटी कैटेगरी कट ऑफ था 78.10005 और पेपर 2 का कट ऑफ था 36। ओबीसी कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 85.94202 और पेपर 2 का कट ऑफ था 24। अनरिजर्व कैटेगरी का पेपर 1 का कट ऑफ था 86.63725 और पेपर 2 का कट ऑफ था 35। तो ये थे एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे। तो देखिए सारे स्टेट्स की कट ऑफ नहीं थी, ये हमने कुछ ही स्टेट्स थे उनकी कट ऑफ हमने यहाँ पर कवर करी है, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि एसएससी में कितनी कट ऑफ रहती है और प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ रही थी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से आपको एक बार बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है उसकी एप्लीकेशन अभी चल रही है, 5 फरवरी 2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्टबुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।